ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस क्लोन टूल के बारे में कि गाइस आप इस टूल का मदद इस टूल की हेल्प से आप गाइस अपने किसी भी बैकग्राउंड में से अपना सब्जेक्ट को कैसे इरेज कर सकते हो। तो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड गाइस अगर आप लोगों ने इस टूल के बारे में अगर ध्यान से समझ लिया एंड गाइस आपने इसको यूज करना सीख लिया तो गाइस आपको कभी भी ज्यादा से ज्यादा बैकग्राउंड रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको गाइस कोई बैकग्राउंड पसंद आ जाता है और अगर आप उस बैकग्राउंड को अगर आप ढूंढ रहे हो अगर आपको ढूंढने से नहीं मिलता है तो गाइस आप इस टूल की वजह से आप यार उस बैकग्राउंड को पूरा बना सकते हो एंड गाइस इजीली अपनी उसमें फोटो एडिट कर सकते हो। तो गाइस आप सभी को सब कुछ कैसे करना मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस आप लोग वीडियो को बस ध्यान से देख लेना, टूल समझ गए तो गाइस सब कुछ समझ गए। तो बस आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि यार आप सभी के लिए अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड हाँ गाइस अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और अगर उस पर यार आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे तो गाइस आपके लिए मैंने एक नया वीडियो क्रिएट किया है जो कि आपको गाइस मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस वो वीडियो आप जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा तो आप इजीली जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये वो हमारी फोटो है जिसमें से गाइस हमें सब्जेक्ट को हटा के हमें बैकग्राउंड बनाना है। तो गाइस वो कैसे बनाना है मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। आप सभी को पहले जाना है सर टूल्स में, देन जाना आपको इस क्लोन वाले ऑप्शन में, आपको इसमें ऑप्शन में जाना है। देन गाइस मैं आपको उसकी टूल्स के बारे में पहले बता देता हूँ। तो गाइस ये जो हमारा वाला जो साइज है ब्रश है गाइस आपको उसको पता ही होगा, आपको उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो आप इससे। एंड गाइस ये इरेजर अगर आपको गलती से अगर आपको कुछ यहाँ पे जैसे कि मतलब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जैसे गाइस हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया ठीक है। तो एंड अगर आपको गाइस यहाँ का एरिया नहीं चाहिए था, आपको यहाँ का इरेज नहीं करना था तो आप यहाँ से सिंपली इसको इरेज करके आप ऐसे फील कर सकते हो ठीक है। देन गाइस आपको दोबारा से एक बार मैं और पेंट करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस जैसे देखिए आपने इस पूरी जगह कर ली बट आपको इस फोटो में कुछ नहीं करना था तो आप इसको एक बार में कैसे क्लियर कर सकते हो, आप इस क्लियर वाले ऑप्शन में क्लिक करो एकदम से क्लियर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद गाइस आप सभी को जो मैं एक बार और पेंट कर देता हूँ, आपको ऊपर दिख रहा होगा ये अंडो वाला ऑप्शन, आपको सभी को पता होगा इससे अंडो होता है ठीक है। तो आप इससे अंडो कर सकते हो। एंड गाइस इसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर कैसे चेक करना वो मैं बता देता हूँ। तो गाइस आपको जो अंडो के बगल में ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक बार टैप करना, आपको बिफोर एंड आफ्टर ईजिली दिख जाएगा। ये देखिए टैप करोगे बिफोर एंड आफ्टर दिख जाएगा ठीक है। तो यहाँ से आपको बिफोर एंड आफ्टर देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको टूल्स का यूज़ कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लो ठीक है। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको ऊपर का एरिया पे जैसे गाइस आपको ये वाला पूरे इसमें चाहिए तो आपको सिंपली इसके ऊपर ऊपर की तरफ रखना है इस टूल को एंड ऐसे कुछ गाइस ऐसे पेंट करते हुए नीचे की साइड में ऐसे लेके आना है ठीक है। तो ऐसे देखिए ऐसे पेंट करते हुए लाना है एंड कुछ किस टाइप से आपका बैकग्राउंड क्रिएट होता जाएगा ठीक है। बट गाइस आप सभी को जिस जो बैकग्राउंड चाहिए आपको मतलब जिस जगह पर जो बैकग्राउंड चाहिए आपको वो टूल पहले सिलेक्ट करना है। जैसे कि गाइस देखिए यहाँ पे लाइनिंग वाला हमें एरिया चाहिए ठीक है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ वो आप सभी को कैसे करना है। जैसे देखिए गाइस हमें चाहिए गाइस ये वाला लाइन ठीक है, जो जैसे कि आपको साइड में दिख रही वाली लाइन आपको ये वाली लाइन चाहिए। तो आपको सिंपली एकदम लाइन के ऊपर ये वाला टूल रखना है एंड उसके बाद गाइस आपको नीचे की तरफ ऐसे पेंट करना है, लाइन जो है आपकी ऐसे क्रिएट होती चली जाएगी ठीक है। एक बार ये आपको बस ये चीज़ करना है कि आपको एक बार इस पर सेट कर देना है, देन उसके बाद गाइस आपको टूल को छेड़ना नहीं है, बस आपको नीचे की तरफ ऐसे पेंट करते हुए चले जाना है एंड गाइस जो आपकी लाइन पर आपने जो सिलेक्ट किया था उसी लाइन में सारा कुछ सिलेक्ट करते हुए ऐसे इरेज करता चले जाएगा ठीक है। तो आपको ऐसे टूल को सिलेक्ट करना है। देन गाइस आपको मैं एक बार और करके दिखाता हूँ कि आपको दूसरी वाली लाइन पे भी आपको कैसे करना है। तो आपको क्या करना है जैसे गाइस देखिए यहाँ से इरेज करते हैं अच्छे से। अब गाइस देखिए ये वाला टूल है, ये वाली लाइन है जो गाइस आपको टूल पर क्लिक करना है एंड लाइन पर क्लिक करना है। तो गाइस देखिए अब यहाँ पे हमने अगर लाइन से पीछे की तरफ थोड़ा सा भी रहेगा तो गाइस गलत मतलब कि गलत डायरेक्शन में जाएगा ठीक है। तो आपको अच्छे से पहले ऐसे करके आपको पहले सिलेक्ट कर लेना टूल। ओके सो गाइस अगर आपको लाइन के बीच में अगर गैप ज़्यादा ना मिले तो आप अपनी सिंपली अपनी फोटो को ऐसे कुछ स्टेप से आपको टूल को ले जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर लाइन के ऊपर ऐसे रख देना है ठीक है। ऐसे रख दोगे तो सेम ही उसी तरीके से आपकी लाइन को ऐसे अटैक्ट कर लेगा एंड उसके बाद गाइस ऐसे आपको ऐसे तरीके से आपको नीचे की तरफ पेंट करते करते आपको ऐसे ले जाना है एंड जो लाइन होगी गाइस आपकी वो एकदम से क्रिएट होती चली जाएगी नीचे की साइड में। आपको कुछ स्टेप से ऐसे क्रिएट करते चले जाना है ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड जो एकदम ऐसा बन जाएगा। बट गाइस आप सभी को अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार एकदम मतलब कि बीच में डार्कनेस भी आ रही है, बट गाइस आप सभी को सब कुछ मैं बताऊंगा अभी ठीक है। तो पहले आप सभी को ये सब्जेक्ट है जो उसको हटा देना है, देन उसके बाद एकदम इसको पूरा एकदम अच्छे से एकदम क्लियरिटी में कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद गाइस आपको अपना जो ऊपर का वो हिस्सा होगा आपको उसको सिंपली सिलेक्ट करना है। देन गाइस जो ब्लैक वाला एरिया होगा आपको सिंपली ऐसे पेंट करते करते चले जाना है एंड जो ब्लैक वाला एरिया जो होगा डार्क वाला वो भी आपसे अब हटने लग जाएगा ठीक है। तो कुछ इस टाइप से अब चलते हैं गाइस दूसरी साइड में जो कि हमारे इस साइड का हिम्मत भाई है जिस साइड के खड़े उस साइड में चलते हैं। तो गाइस उस साइड में क्या है आपको देखिए कुछ इस टाइप से ऐसे सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद ऊपर से बैकग्राउंड गाइस पहले सिलेक्ट कर लेना है ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया तो गाइस ये कुछ और ही फोटो मतलब कुछ और ही के लिए इरेज हो जाएगा वहाँ से। पहले आपको वो हिस्सा सिलेक्ट करना है जिस साइड में आपको जोन सा एरिया चाहिए ठीक है। जैसे कि गाइस मेरे को उस साइड का बैकग्राउंड चाहिए तो गाइस देखिए मेरे को ये वाला एरिया चाहिए ये लाइन, तो मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा सिंपली।
सो गाइस हम इसको पहले यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड इसको पहले थोड़ा सा इधर कहीं इरेज करते हैं, फिर उसके बाद लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करते हैं एंड यहाँ से फटाफट से इसको इरेज करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पर हमारी लाइन भी जो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब गाइस इसको लाइन को जो है हमें अच्छे से क्रिएट करनी है, ओके। सो गाइस इतना करते के साथ आपको पहले डन कर देना है। अब गाइस देखिए इसको हम दोबारा से इसी टू क्लोन टूल में ले जाकर इसको हम पूरा सही करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसको देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस काफ़ी यहाँ पे हद तक हमने थोड़ा ठीक कर दिया इसको। अब गाइस हम इसे दोबारा से क्लोन टूल में ले जाकर इसको हम पूरा से अच्छे तरीके से एकदम जो जो हमें बैकग्राउंड चाहिए हम उससे इरेज करेंगे। फर्स्ट हम टूल्स में जाएंगे, फिर क्लोन टूल में लेंगे एंड उसके बाद साइज को हम इंक्रीज करके रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा इसका साइज बड़ा रख के एंड कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे पेंट कर लेना है एंड जो आपका बैकग्राउंड होगा वो एकदम अच्छे तरीके से एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऊपर की तरफ यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से हम इसको कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है, तो इसको हम थोड़ा अंडो करते हैं। गाइज आप सभी को क्या होगा कि जब ये आप टूल को आप धीरे धीरे जब यूज़ करोगे ना, तो धीरे धीरे गाइज आपको इसमें आप परफेक्ट होते चले जाओगे एंड जगह जब तक आप इस टूल का यूज़ करोगे नहीं, कम से कम मतलब कि 2-3 फोटो में आप करोगे रोज, तो गाइज आप एकदम परफेक्ट तरीके से इसको यूज़ करना सीख जाओगे एंड इसको यूज़ करना सीख गए तो गाइज काफ़ी अच्छा होगा एंड आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस टूल का यूज़ कर पाओगे। तो आपको इस टूल को यार गाइज प्रैक्टिस करते रहना है, काफ़ी अच्छा टूल है ये, अगर आपको इसका यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा टूल है, यूज़ करते रहना परफेक्ट हो जाओगे। तो बैकग्राउंड बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो बस आप बैकग्राउंड बनाना इससे सीख गए तो सबको सीख गए, ठीक है। तो ये आपको जो है अब इसको हम देखिएगा ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है, तो हमें लाइन क्रिएट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो लाइन को आपको सिलेक्ट करना है एंड कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करते चले जाना है, ठीक है। गाइज अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा कि करण भाई कितना इजी से कर दे रहे हैं, तो बट गाइज आप लोग करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब कि गलत भी होगा अच्छा भी होगा। बट गाइज स्टार्टिंग में गाइज आपको मैं कह सकता हूँ कि यार आपको थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि गाइज आप उसको फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो पक्का गलत होगा, या फिर अगर आप पहले से उसको यूज़ कर रहे हो तो गाइज काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बट गाइज ऐसा मत सोचना कि यार मैंने कुछ गलत बताया, मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया, आप सभी को बस उसका यूज़ करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगी। वीडियो को आप एक दो बारी और देखना, अच्छे तरीके से मैंने इसमें बताया, आप एक दो बारी वीडियो को देखोगे तो आप सब समझ आ जाएगा, ठीक है आपको। सो गाइस यहाँ पे हमारा सब कुछ बैकग्राउंड बन चुका है। अब गाइस हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप सभी से मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।